दोस्तों सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट 2021 के रिजल्ट की घोषणा 9 मार्च 2022 को कर दी गई थी और आज दिनांक 10 मार्च 2022 को सीबीएसई बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट seated.nic.in पर रिवाइज्ड आंसर की भी जारी कर दिया है। चूंकि परीक्षा ऑनलाइन हुई थी इसी वजह से सभी शिफ्ट की जो पेपर थे उनमें प्रश्न अलग अलग पूछे गए थे। इस वजह से जो इनके द्वारा रिवाइज्ड आंसर की जारी किया गया है वह एक ही पीडीएफ में सभी शिफ्टों का आंसर की है और ये पीडीएफ 177 पेज का है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनके द्वारा इंग्लिश मीडियम में जिन्होंने पेपर सॉल्व किया होगा और जो हिंदी मीडियम में पेपर सॉल्व किए हैं दोनों के लिए अलग अलग आंसर की जारी किया गया है, क्योंकि बहुत से शिफ्ट ऐसे थे जिसमें ट्रांसलेशन एरर थी या फिर प्रश्न इधर उधर थे। इन सबसे निपटने के लिए सीबीएसई बोर्ड ने हिंदी मीडियम का अलग और अंग्रेजी मीडियम का अलग आंसर की जारी किया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितने कॉमन अंक दिए गए हैं, ठीक है। एक उदाहरण के तौर पर मैं दिखाता हूँ, देखिए सभी डेट का तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 8 जनवरी 2022 का मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर, ये मेन पेपर है। मेन पेपर कहने का मतलब प्रश्न संख्या 1 से लेकर 90 तक, यानी इसमें सीडीपी, मैथमेटिक्स और ईवीएस का पार्ट होता है। यहां पर देखिए अगर बात की जाए, आप नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 पर, यहां पर देखिए सबसे लास्ट कॉलम में क्वेश्चन नंबर 89 पर इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों को सही मान लिया है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को मैं दिखाने की अगर आपको कोशिश करूं तो यहाँ पर इनके द्वारा ये नीचे टिप्पणी किया गया था कि जहाँ पर भी आंसर की में 9 नंबर लिखा गया है उसका मतलब ये है कि उस प्रश्न के सापेक्ष इन्होंने कॉमन नंबर दिया है। 8 जनवरी 2022 का ही इंग्लिश का जो पेपर था इसमें आप देखिए प्रश्न संख्या 123 नंबर के भी इन्होंने दो विकल्पों को सही मान लिया है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों को इन्होंने सही मान लिया। उसके बाद से आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 109 पर, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो 9 लिखा गया है। 9 का मतलब ये है कि ये इस प्रश्न के सापेक्ष सभी अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, देखिए नीचे मेंशन किया गया आंसर की 9 मीन्स मार्क्स अवॉर्डेड टू ऑल द कैंडिडेट्स। आपने कोई भी उत्तर दिया होगा, कुछ भी उत्तर दिया होगा, इसके सापेक्ष आपको नंबर मिला होगा। इसी प्रकार से आप देखिए 8 जनवरी 2022 का ही हिंदी का ये पेपर है और इसका रिवाइज्ड आंसर की जारी किया गया है। इसमें भी आप देख सकते हैं जहाँ पर भी 9 मेंशन किया गया है, सिर्फ 8 जनवरी नहीं बल्कि प्रत्येक शिफ्ट में जहाँ पर भी 9 नंबर मेंशन किया गया है वहाँ पर उस अभ्यर्थियों को, सभी अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर दिया गया है। तो आप अपने शिफ्ट का देख सकते हैं कि किस प्रश्न के सापेक्ष आपको कॉमन नंबर मिला है अथवा नहीं मिला है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।